ऐसी ऑडियंस मिलती है कि जब वो परफॉर्म करता है तो वो एकदम खुले दिल से स्वागत करते हैं। मन नहीं कर रहा था स्टेज से उतरने का, ना वो दिन उतरना देना चाह रहे थे। मैंने उनको बोला कि अब जाऊँ, तो बोले नहीं नहीं मत जाइए। तो ये प्यार इसी के लिए हम लोग मरते हैं, कलाकार को ये प्यार ही चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि मधेपुरा की धरती पर आके मुझे इतना सादा और भोजपुरी में पवन और खेसारी के बीच क्लेश चलता रहता है, दोनों के अश्लीलता पे आरोप लगती है और लोगों का कहना होता है कि आजकल अश्लीलताएं फैल रही है। बहुत चीज़ें को बढ़ावा दोगे तो अश्लील होगा, अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि अश्लील है। मधेपुरा में है और बिहार का मधेपुरा जिला है। मधेपुरा जिला मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव के नाम से भी मशहूर है। पप्पू यादव के जन्म स्थान खुर्दा में मौजूद है। खुर्दा में हर साल दुर्गा पूजा के अवसर पर मेला का आयोजन होता है और इस मेले में दूर दराज से कलाकार भी आते हैं और लाखों की संख्या में लोग भी आते हैं। आज भी काफ़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। मशहूर कलाकार हमारे साथ है, कैसा लगा? लाखों की भीड़ थी और जितना आप डांस कर रही थी उससे ज़्यादा दर्शक डांस कर रहे थे। अच्छा लगता है, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है कि उसको ऐसी ऑडियंस मिलती है कि जब वो परफॉर्म करता है तो वो एकदम खुले दिल से स्वागत करते हैं। मन नहीं कर रहा था स्टेज से उतरने का, ना वो दिन उतरना देना चाह रहे थे। मैंने उनको बोला कि अब जाऊँ, तो बोले नहीं नहीं मत जाइए। तो ये प्यार इसी के लिए हम लोग मरते हैं, कलाकार को ये प्यार ही चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि मधेपुरा की धरती पर आके मुझे इतना सादा और इतना प्यार मिला। क्या खास रहा यहाँ आने के बाद, क्या खास रहा? सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ पप्पू जी का, जिन्होंने एक्चुअली मुझे मौका दिया मधेपुरा आने का और इतनी सारी पब्लिक, 5 लाख पब्लिक के सामने परफॉर्म करने का, उनके बीच में उतरने का। सबसे खास यही था कि वो लोग आपके लिए ही थे, आप एक एक मूवमेंट कर रहे थे, वो आपके हर मूवमेंट पे वो तालियां मार रहे थे, चिल्ला रहे थे। इससे बड़ी खुशी की बात है, कलाकार के लिए कुछ नहीं हो सकती। इस क्षेत्र में आने के लिए कैसे सोचा? पप्पू जी का वो था कि आना है, कि अनारा जी हम लोग हर साल कार्यक्रम करते हैं तो इस बार चाहते हैं कि आप आइए, आप आके परफॉर्म करके जाइए। तो मुझे बहुत खुशी की बात है कि मैंने उन्हें हाँ बोला, जबकि मैं एक्चुअली रांची में शूटिंग कर रही थी। तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि मैंने हाँ बोला, मैं इतनी पब्लिक के बीच में आके परफॉर्म कर पाई। एक जब कैमरे के सामने एक्टिंग होती है और एक दर्शकों के सामने एक्टिंग होती है, दोनों में काफ़ी अंतर होता है, तो डिफ़िकल्ट कौन सा एक्टिंग रहता है? देखिए, कैमरे के सामने आप रीटेक ले सकते हैं, लेकिन पब्लिक के सामने कोई रीटेक नहीं है, आपको वन टेक ही करना है जो करना है, और बहुत मज़ा आता है। डिफ़िकल्ट नहीं है, वो इतना ज़्यादा प्यार आपको देते हैं कि कुछ भी डिफ़िकल्ट लगता ही नहीं है, सब आसान लगता है उनके सामने। करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? करियर की शुरुआत तो 2007 से हुई है और इतने सालों से, 15 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, और 15 सालों से लोग इतना 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 प्यार दे रहे हैं कि शायद मुझे लगता है ये जन्म कम पड़ जाएगा उनका प्यार के लिए। अचानक से इतने कम उम्र में इतना ज़्यादा सक्सेस, हम तो चाहते हैं और ऊपर जाए, बॉलीवुड की भी फिल्म करें, तो क्या क्या लगता है, क्या देखती हैं आगे? जी, आपके मुंह में घी शक कर बॉलीवुड की फिल्म करूं, एक फिल्म है जिसकी बात चल रही है, अगर भगवान जी ने चाहा और मेरी मम्मी की ब्लेसिंग्स रही तो नवंबर एंडिंग से उसकी शूटिंग शुरू करूंगी लंदन में, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हिंदी फिल्म के लिए। एक भोजपुरी कलाकार के लिए बहुत बड़ी और सम्मान की बात होती है कि जब आप भोजपुरी से निकल के हिंदी की तरफ जाते हैं, तो आई थिंक मेरी ऑडियंस का प्यार ही है जो मुझे हिंदी की तरफ लेके जा रहा है। यहाँ के दर्शकों पे तो राज कर लिया, आप सबके दिल पे छा गई, उनके फेवरेट हो गई, आपके फेवरेट कौन एक्टर? मेरे फेवरेट भोजपुरी में सारे फेवरेट मेरे एक्टर्स हैं, मैंने सबके साथ काम किया है, चाहे वो पवन जी हो, चाहे कहीं कहीं भोजपुरी में पवन और खेसारी के बीच क्लेश चलता रहता है, दोनों के सपोर्टर में और हीरोइनों को उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने पवन जी के साथ भी काम किया और हिट गाना दिया है, खेसारी के साथ भी काम किया है, खेसारी जी के साथ भी काम किया और हिट गाना दिया है, तो पवन जी और खेसारी जी दोनों मेरे लिए बराबर हैं। बॉलीवुड को किस तरह देखती है? बॉलीवुड डेफिनेटली हर आर्टिस्ट की एक आखिरी वो है, मंजिल है, हर आर्टिस्ट चाहता है कि वो एक बॉलीवुड में जाए, बॉलीवुड की फिल्म करे, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं बॉलीवुड की फिल्म करूँ, जल्द ही कर रही हूँ, और देखिए क्या होता है। मैं बस ये चाहती हूँ कि जितना ऑडियंस है मुझे भोजपुरी में प्यार दिया है, मेरी बॉलीवुड फिल्म को भी उतना ही प्यार।
भोजपुरी में कहीं ना कहीं अश्लीलता पे आरोप लगती है और लोगों का कहना होता है कि आजकल अश्लीलताएं फैल रही है भोजपुरी में। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं 15 सालों से काम कर रही हूँ सर, कोई अश्लीलता नहीं है भोजपुरी में। अगर आप अश्लील चीज़ें को बढ़ावा दोगे तो अश्लील होगा, अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि अश्लील है तो उसको मत देखिए। क्या कहना चाहेंगी बिहार के दर्शकों के लिए, क्या कहना चाहेंगी? ये कहना चाहूँगी कि इतने सालों से जो आप मुझे प्यार देते आए हो और जो प्यार आज आपने मुझे दिया है, बस इसे बरकरार रखिए, अपना आशीर्वाद प्यार मुझे बस यूं ही देते रहिए। चलिए, ये थी हमारे साथ भोजपुरी की मशहूर कलाकार, और इसी तरह की हम खबर लाते रहेंगे, देखते रहें दैनिक फैन।